बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा हाउ टू केयर कोई फिश। कोई फिश को कैसे केयर करेंगे। जो हमारा कोई फिश होता है बहुत जो हैप्पी फिश होता है, और उसको कैसे फिल्टर किया इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना ऐसे ही सरवाइव कर लेता है। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा कोई फिशेस होता है उसका साइज जो है जो 2-3 इंच में आ जाता है जो हमारा कोई फिश का साइज, और ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 2 फीट तक भी बड़ा हो जाता है जो कोई फिशेस। बहुत हार्डी फिशेस होता है, एक मतलब जैसे कि शार्क फिशेस की तरह ही कैट फिशेस। शार्क फिशेस में से एक है ये कोई फिशेस भी, और उसका हार्डी फिशेस बहुत ज्यादा है गाइस। और जैसे कि हमारा जापानीज कोई और भी बहुत सारे वैरायटी का कोई फिशेस आता है। एक ने बहुत सारे एक गोल्ड फिशेस से भी ज्यादा कोई फिशेस का वैरायटी है, मतलब गाइस उसका बहुत सारे कलरफुल आता है जो कोई फिशेस। ये जो है ना उसको सिर्फ फिल्टर का भी जरूरत है, नहीं तो आप जो लाइव प्लांट्स ऐड कर सकते हो उसके लिए। लाइव प्लांट्स यूज करोगे तो ऊपर ऐसे उसका ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा उसको चाहिए। और मतलब एक और एक है जो फूड भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई फिश गोल्ड फिश उन लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है जो फूड। जैसे कि गाइस फूड हम क्या देंगे, रेगुलर फूड क्या देंगे हम, टायो का फिश फूड देंगे ना, ऑप्टिमम का फिश फूड देंगे ना, जो हमारा लाइफ आयु देंगे। लाइफ आयु बेस्ट रहेगा। और जो डेली फिश फूड होता है, डेली गाइस हम जो रूटीन करते हैं डेली जो हम देते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, जो डेली हमको क्या देना चाहिए फिशेस, कोई फिशेस को फीड करना चाहिए। और हमारा ऑप्टिमम फिश फूड दो गाइस बहुत अच्छा रहेगा, मस्त क्वालिटी भाई, मतलब बेस्ट पूरा डेंजर आएगा गाइस। हमारा जो ऑप्टिमम फिश फूड उसका कलर भी अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, नहीं रुकेगा ग्रोथ, और मतलब फिन वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा। और एक गाइस जो है हमारा वाटर साफ पानी और क्या टेम्परेचर क्या करना है। टेम्परेचर जो कोई फिशेस के लिए 28 टेम्परेचर में रखना है, कोई फिशेस को 28 टेम्परेचर में रखना है, नहीं तो मर जाएगा। 26 नहीं तो 28 डिग्री में पानी में मतलब डिग्री रहना चाहिए टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, एक फिल्टर एक साइड में हीटर, इसमें टेम्परेचर मतलब मेंटेन गाइस पूरा मेंटेन हो जाएगा, एक साइड फिल्टर एक साइड हीटर। और पानी साफ चाहिए क्या, मतलब जो एल्गिस का पानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है गाइस। जैसे कि हर एक फिशेस को साफ पानी से ग्रोथ नहीं होता है, थोड़ा बहुत एल्गी पानी भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा गाइस ज्यादा एल्गी हो गया तो मर जाएगा फिशेस, पानी गंदा होगा तो क्रिस्टल क्लियर रखना है, और थोड़ा बहुत एल्गी तो आ जाएगा ऐसे ही एक्वेरियम पे, उसमें थोड़ा ग्रोथ करने दो फिशेस को, पूरा पानी मत निकालो, 50% 70% नहीं तो उसमें यूज करो, और बहुत अच्छा रहेगा फिशेस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बार गाइस स्पंज फिल्टर उसके लिए मत यूज करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप स्पंज फिल्टर यूज करते हो उसके लिए तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप हर बार यूज करो इंटरनल फिल्टर, नहीं तो जो टॉप फिल्टर आता है ये यूज कर लो। छोटा एक्वेरियम पे रखते हो तो ठीक है, स्पंज फिल्टर आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये भूल मत करना गाइस। अब थोड़ा बड़ा साइज का एक्वेरियम रख रहे तो हो तो स्पंज फिल्टर प्लीज गाइस मत यूज करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ना पानी साफ होगा ना इमोनिया काम करेगा।
कुछ भी गाइस काम नहीं करेगा। आप इंटर मतलब स्पंज फिल्टर जो लगा रहे हो, इंटरनल फिल्टर लगाओ, मस्त काम करेगा वो। और एक बात गाइस, फिश फूड का मेंटेन रखो और फिल्टर का इस्तेमाल करो, हीटर का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रहेगा। एक्वेरियम साइज भी थोड़ा उस फिश साइज से थोड़ा बड़ा कर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और लाइटिंग सिस्टम तो ठीक ठाक है, ऐसे ही लगा दो लोग, एक एक्वेरियम का जो लाइट आता है ऐसे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बाय।